अस्सलाम अनस्थान। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये था कि सजदे सहू से मुतालिक सवाल था कि जी नमाज में जब हम 4 रकात सुन्नत की नियत बांधते हैं या फर्ज की नियत बांधते हैं 4 रकात, और 2 रकात नमाज पढ़ लेने के बाद में अत्तहियात के बाद में से दरूद इब्राहिम शुरू कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या सजदे सहू करना पड़ेगा? और दूसरा सवाल है कि सजदे सहू वही 4 रकात जो सुन्नत की 4 रकात, अगर अपन उसमें कुछ कमी ज्यादा हो जाती है उसी में करना पड़ेगा या नमाज की जो आखिरी रकात रहती है उसमें करना पड़ेगा? और एक सवाल है कि अगर अगर सजदे सहू करना ही भूल जाए और नमाज खत्म होने के बाद में याद आए तो क्या करना चाहिए? जजाकल्लाह। सजदे सहू पे एक दिन अभी जल्दी में मेरे ख्याल से बहुत तफसील से मैंने बताया था, तो लिहाजा उस तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा। जो सवाल जिस पॉइंट पर आपका सवाल है सिर्फ उसी पॉइंट पर जवाब दूंगा। पहला सवाल आपका ये है कि अगर कोई तशहुद, दो तशहुद, अगर 4 रकात वाली नमाज है तो उसमें दो तशहुद होते हैं, अगर पहले तशहुद में किसी ने तहियात के साथ दरूद भी पढ़ लिया तो क्या उसको सजदे सहू करना होगा नहीं करना होगा? अगर यहाँ तक कि जी बाज़ उलमा ने दरूद शरीफ को भी उसमें उसका हिस्सा बताया है तशहुद अव्वल का, तो अगर किसी ने तशहुद उसमें पढ़ तशहुद के साथ दरूद शरीफ पढ़ लिया तो उस पर सजदे सहू नहीं है। ये आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है आपका कि सजदे सहू कब करेंगे? सजदे सहू कब करेंगे? जी अगर नमाज के अंदर कोई वाजिब आपका छूट गया है तो उस पर सजदे सहू करेंगे, या नमाज के अंदर कोई चीज आपसे ज्यादती हो गई है तो उस पर सजदे सहू करेंगे, या नमाज के अंदर आपको शक हो गया है किसी चीज तादाद रकात की तादाद वगैरह के बारे में तो उस पर सजदे सहू आप करेंगे। और अगर आपने सजदे सहू किए बगैर सलाम फेर दिया, थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि मैं तो नमाज में फला चीज मैंने गलती किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसी जब आपको याद आए उसी वक्त आप सजदे सहू कर लेंगे। और अगर आप घर चले गए हैं, बहुत लंबा फासला हो गया है तो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे उलमा ने कहा कि अगर बहुत लंबा फासला हो गया है, जोहर की नमाज पढ़े आप असर के टाइम याद आ रहा है, तो फिर वहां पे जरूरत नहीं है आपको सजदे सहू करने की, लेकिन अगर करीब वक्त है तो आप वहीं पे सजदे सहू कर लें। जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जजाकल्लाह मैं खैर। शुक्रन, बारकल्लाह फीक।